हेलो वेलकम। सो अभी हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स के। तो यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस मैं करने वाला हूँ वो प्रॉब्लम्स आपका जो रहेगा वो पॉइंट लोड्स का प्रॉब्लम जैसे रहेगा। तो कम्प्लीटली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फुल्ली वीडियो आप देखिए, आपको बेंडिंग मोमेंट यानी कि क्या है, फिर किस तरह कितना बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, इन चीज़ों के बारे में क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, यस, चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज थोड़ा वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अगर शुरू करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अभी जो ड्रॉ दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी गिवन कैंटिलीवर बीम। तो क्या शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अगर आपको नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर अभी शेयर फोर्स यानी कि क्या, मैं इतना सिर्फ आपको बता दूंगा। शेयर फोर्स इज नथिंग बट डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो इट इज एडिशन ऑफ द लोड्स। ओके, इट इज एडिशन ऑफ द लोड्स। एंड बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस एंड समेशन। यानी कि अभी यहाँ पर शेयर फोर्स में आप क्या करते हो, सिर्फ ये जो लोड्स है उनको ऐड करते जाते हो और उसको आप शेयर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है उसको फाइंड करते हो। और बेंडिंग मोमेंट में आप इसका लोड और डिस्टेंस जो है उसको मल्टीप्लाई करते हो। दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्या शेयर फोर्स में आप सिर्फ और सिर्फ लोड को ऐड करते जाते हैं और बेंडिंग मोमेंट में लोड एंड डिस्टेंस दोनों को। शेयर फोर्स यानी कि क्या है, तो उसके लिए मेरा एक स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें शेयर फोर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। शेयर फोर्स इज बिकॉज ऑफ इट इज जनरेटिंग बिकॉज ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस, एदर मे बी एक्टिंग टूवर्ड्स इच अदर और एक्टिंग अवे फ्रॉम इच अदर, एनीथिंग इट मे बी। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, एक प्रॉब्लम दिया है तो इसमें क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, तो बीम टाइप आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर एक साइड से फिक्स है तो एक कैंटिलीवर बीम है। तो इस टोटल लेंथ है कितना है, 4 5 + 5 + 5। ओके, टोटल दैट इज शायद यहाँ पर मैं देख लूँ। ओके, बट चेक करता हूँ। सो दिस इज 0.5 0.5 0.5, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहा है बट 0.5 0.5 0.5 0.5, यानी कि टोटल 2 मीटर लेंथ का ये बीम है। सो दिस लेंथ ऑफ द बीम इज 2 मीटर टोटल। तो अभी यहाँ पर देखिए, इस एंड पे 500 किलोन्यूटन एक्ट हो रहा है, यहाँ पर 800, यहाँ पर 300 है और यहाँ पर 400 न्यूटन एक्ट हो रहा है। तो अभी इसका हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो चलिए शुरू कर दे। तो यहाँ पर देखिए अभी किस तरह हमने फाइंड किया है, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो हमेशा याद रखना है, जहां जहां पर आपका लोड है तो वहां पर आपको नेमिंग कभी भी दिया नहीं रहता है, या फिर समटाइम्स दिया होता है तो आपको क्या करना है, नेम्स देना है। सो दिस इज ए, यहां पर एक लोड है बी, सॉरी ये दूसरा पॉइंट बी, सी, डी और ई, हमने नाम दे दिए। तो हमेशा आपको शुरू करना है इस एंड से। ऑलवेज कोई भी प्रॉब्लम दिया तो भी सिर्फ और सिर्फ इस एंड से आपको शुरू करना है। ओके, तो किस तरह करना है, तो शेयर फोर्स या सेफ बी आप लिख सकते हो, या फिर एफ बी, बी भी समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं, या फिर एस एफ बी ऐसे भी लिखते हैं, या फिर एस एफ एट बी, एट का सिंबल जो होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो हियर एट बी इज हाउ मच, सो एट द बी द लोड इज 500 किलो न्यूटन। सो आपको लिखना है 500 किलो न्यूटन, जस्ट सिंपली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ई ए, तो आपको एस एफ एट ई
तो इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है और उसके प्रीवियस जितना भी लोड है उसको भी आपको ऐड करना है, उसके प्रीवियस। तो यहां पर अभी 500 प्लस 800 तो टोटल 1300 हो गया। सही बात है, यानी कि ये जो ये है उसको कैरी करना आगे यहां पर। ओके, उसके बाद डी पे, तो डी से पहले जितने लोड है 500 प्लस 800 दैट इज 1300, यहां पर डायरेक्टली लिखा है 1300, आप उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट बाय स्प्लिटिंग 500 प्लस 800 एंड देन प्लस 300। सो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हो यहां पर, अभी नेक्स्ट वन किस तरह करना है देखिए। तो सी पे प्रीवियस 300, 800, 500 दैट इज 1600 और प्लस दिस 400 तो टोटल 2000, सॉरी। तो यहां पर न्यूटन लिखा है, आपको न्यूटन नहीं लिखना है, यहां पर गलत गलती की है। सो दिस इज किलो न्यूटन, एक्चुअली दैट इज किलो न्यूटन। सो क्योंकि यहां पर अभी जो आप लिया है ना वो क्या है, सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द किलो न्यूटन है ऊपर वाला जो है, सो दैट इज इट शुड बी किलो न्यूटन। ओके, किलो न्यूटन। ओके, आपको करेक्शन कर लेना है। सो दोज ऑल आर इन किलो न्यूटन। ओके, देन नेक्स्ट, अभी फाइनली जब आप फाइनल पे जाते हो लास्ट वन, तो यहां पर उसके पहले टोटल कितने लोड है उसको ऐड करने का। सो दिस विल बी 500 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 400 दैट इज एट ए इट इज टोटल 2000 किलो न्यूटन। सो दिस इज किलो न्यूटन, नॉट ओनली न्यूटन, किलो न्यूटन आपको लिखना है। यू आर राइट दैट। तो आपको यहां पर एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि शियर फोर्स में आप लोड्स को ऐड करते जाना है जब पॉइंट लोड है तब, बिकॉज ये चीज अगर इफ इट कम्स इन टू दी बेंडिंग यूर यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अगर आ जाए तो अलग होता है, ऐसे आपको नहीं रहता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो हियर व्हेन इट इज ओनली पॉइंट लोड यू हैव टू ऐड द लोड्स, आपको क्या करना है समझ में आ गया, कि आपको सिर्फ लोड्स को ऐड करते जाना। तो हमेशा शुरू कहां से करना है, इस एंड से, जहां पर अभी मेरा पॉइंटर देख रहे हैं उस एंड से आपको शुरू करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करना है, तो लोड इनटू डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, लोड इनटू डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट में आप क्या करते हो, लोड इनटू डिस्टेंस करते हो, याद रखना है। बेंडिंग मोमेंट में आप लोड इनटू डिस्टेंस, तो किस तरह मैं यहां पर दिखा रहा हूं उसको देखिए। अभी देखिए बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो यहां से ही शुरू करना है। तो यहां पर लोड कितना है, सेम चीज यहां पर जो लिया है ना उसका ही आगे वाला एक्सटेंशन है। यहां पर लोड कितना है 500 है, सही है, इनटू द डिस्टेंस, वो उसी पॉइंट से शुरू हो रहा है तो उसको डिस्टेंस कुछ नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली 500 इंटू जीरो अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर जीरो, तो यानी कि जीरो से ही शुरू हो जाता है। इज इट राइट, जीरो से शुरू हो जाता है, तो ये वैल्यू जीरो हो गया। नेक्स्ट वन एट ई पॉइंट पे, अभी अभी ई पॉइंट पे देखिए, तो उसके पहले लोड कौन सा है 500 है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो इसका तो इसी पॉइंट पे है तो इसको कंसिडर नहीं करना है हमको। ओके, तो पहले हमको माइनस बाहर लिखना है, क्या लिखना है, माइनस, हमेशा ब्रैकेट से बाहर, जब भी आप लोड कोई भी एक लोड लेते हो तो उसके ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस लिखना है। ओके, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट होता है तो उसकी वजह से, तो 500 इंटू 0.5,
सो दिस इज 500 इंटू 0.5, देखिए यहाँ पर माइनस, तो इसका आंसर कितना है, माइनस 250 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में और ये जो है किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन मीटर हो गया आंसर। तो अभी नेक्स्ट वाला देखिए, इस पॉइंट पे तो उसके पहले कौन से हैं, एक है और दो है, तो यहां पर आपको दो बार रिपीट करना है। तो ये वाला 800 इंटू 0.5, देन 500 इंटू, अभी 0.5 नहीं रहेगा यहां पर, अभी 1 मीटर रहेगा, कितना 1 मीटर है कि नहीं, यहां पर 1 मीटर 500 इंटू 1, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो था वो इंक्रीज हो गया, इज इट राइट, डिस्टेंस इंक्रीज्ड ओवर ईयर। सो यहां पर भी माइनस लिखा, यहां पर भी माइनस लिखा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसका टोटल आंसर कितना था, माइनस 900 किलो न्यूटन मीटर एट कहां पर, डी पर। ओके, अभी सी पर, सी के पहले कितने है? 3 लोड्स हैं, 1, 2, 3, सो 300 इंटू 0.5, 800 इंटू पॉइंट सॉरी 1 मीटर एंड 500 इंटू 1.5 मीटर है क्या, यहां पर देखिए 300 इंटू 0.5, 800 इंटू 1 और 500 इंटू 1.5, तो टोटल जब आप करोगे तो इक्वल टू कितना, माइनस 1700। सो यहां पर अभी यहां इसने गलत लिखा है, सो दिस शुड बी माइनस, ये क्या है, माइनस है, ओके एक बार मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, माइनस माइनस, तो ये तीनों क्या रहेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ओके तो यहां पर सही है, इक्वल टू यहां पर सही है। तो उसी तरह अभी ये लास्ट वन जो है सी पे हुआ, अभी यहां पर कितना रहेगा, अभी यहां पर कितना रहेगा, तो यहां पर अभी आपका इसके पहले कितना है, सॉरी लास्ट पॉइंट पे अभी लेसर पॉइंट, अभी यहां पर कितना रहेगा बेंडिंग मोमेंट, सो 400 सॉरी ब्रैकेट के बाहर लिखना है, 400 इंटू 0.5, 300 इंटू 1 मीटर, 800 इंटू 1.5, 500 इंटू 2, देखिए 400 इंटू 0.5, 300 इंटू 1, 800 इंटू 1.5, 500 इंटू 2, टोटल आंसर इज माइनस 2700 किलो न्यूटन मीटर। इसे नहीं, अभी मैंने जो तरीका देखा है उस तरीके से आप करोगे तो इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो इसका डायग्राम आपको निकालना है, किस तरह निकालना है अभी देखिए। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो फिर से दो बार सुनिए पिछले, एक बार आपको यह क्लियर होना चाहिए तब जाके आप डायग्राम डाल सकते हो। तो वही मैंने आंसर्स जो था उसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। तो अभी डायग्राम कैसे डालना है, तो ये जो था उसको पहले डायग्राम को ड्रॉ करना है, ये लाइंस जैसे है वैसे ड्रॉ करने नीचे आपको, तो हमारा ए ए, सो दिस इज बी सी डी और ई, इन लाइंस को ऐसे डॉटेड लाइन आपको नीचे ड्रॉ करना है, क्या करना है, नीचे ड्रॉ करना है, और उसके बाद SFD, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए SFD, तो ये एक जीरो लाइन एक्सिस लाइन की तरह आपको इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी हमारा शेयर फोर्स जो है वो सभी प्लस में है, तो अभी इनिशियली B पे कितना वैल्यू है, 500 है, तो एक छोटा सा लाइन मारिए 500 जो बन सकेगा, दिख सकेगा उतना, और उसके बाद उसको आपको स्ट्रेट लेके जाना है। ओके,
दूसरा आंसर कितना है? 1300। तो 500 से भी बड़ा 1300, तो उसके ऊपर थोड़ा सा लाइन मार दीजिए ताकि वो 13 उसके डबल जो हो सके उतना, 1300 को रिप्रेजेंट कर सके उसने, और उसको आप सीधा आगे लेके जाना है। देन यहां से आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट आंसर कितना है? ये डी पे 1600 है, तो 1600 यानी कि 1300 से भी बड़ा होता है तो उसको और थोड़ा ऊपर दिखाइए, उसको सीधा लेके जाना है। तो यहां पर अभी आपका सी का कितना है? 2000 है, तो 2000 1600 से भी बड़ा होता है तो उससे भी ऊपर थोड़ा लाइन दिखाई, तो सीधा लाइन मारना है। ये क्रॉस दिख रहा है थोड़ा यहां पर, बट आपको सीधा लाइन मारना है। सो दिस इज द योर आंसर फॉर द शेयर फोर्स। इस तरह आपको यहां पर आंसर लिखते जाना है। समझ में आया बात? ओके, फिर से एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देखिए। और बेंडिंग मूवमेंट मार्क कैसे करना है? अभी यहां पर यू हैव टू ड्रॉ द वन स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो इनिशियल वैल्यू कितना है? जीरो है, तो यहां पर जीरो पे मार्क करना है। ई पे वैल्यू कितना है? -250। माइनस यानी कि नीचे होता है, यानी कि 25 नीचे का यहां पर एक मार्क कीजिए। मैं पेन ले लेता हूं, रुकिए। तो यहां पर क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन मारिए। सो ऐसे आपने स्ट्रेट लाइन मार दिया। ओके, तो बी पे जीरो यहां पर एक मार्क कीजिए। 2500 है वहां पर, यहाँ समवेयर आता है तो यहाँ पर आप मार्क कीजिए। तो इससे बड़ा माइनस वैल्यू कौन सा है? 900 है सी का, तो उसको वहाँ पर मार्क कीजिए। तो इससे भी बड़ा कौन सा है? इसको मार्क कीजिए। और उससे भी बड़ा कौन सा वैल्यू है? ये है 2750 ए पे। तो इनको ज्वाइन करते जाना है, स्ट्रेट लाइन मारना है आपको ज्वाइन, जैसे ऊपर डायग्राम में दिखा है नहीं उस तरह, इसको ज्वाइन करते जाना है आपको। So, ये हुआ आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है माइनस और यहां पर प्लस। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कंप्लीटली इन डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा अलग वाला प्रॉब्लम, और उसके बाद हम यूडीएल वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।